हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। किया सेल्टोस के एक्स लाइन की अपार सफलता के बाद, मतलब यार लोगों को बड़ा मजा सा आया ना उसे देख के, नई सी चीज़ थी। उसके बाद कंपनी ने सोनेट का एक्स लाइन एडिशन लॉन्च कर दिया है, या आपके सामने वही है। सबसे पहली चीज़ आती है कीमत क्या है भाई, सबसे बड़ा भाई रुपया ही होता, जानते हो 13,99,000 रुपये है, बिल्कुल 14 लाख के लगभग लगभग एक्स शोरूम प्राइस है। अगर हम ऑन रोड देखते हैं तो यार मोटा मोटा 16.5 लाख तक ये जाती है ऑन रोड, मतलब कहीं कम हो सकती है कहीं ज़्यादा हो सकती है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ 16,30,000 के आसपास है। इस तरह ये तो हो गई कीमत की बात, लेकिन गाड़ी में नया क्या है, गाड़ी में अलग क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको विदेशी गाड़ियों में दिखती थी ना, मतलब यार मैट टाइप का टेक्सचर, वो अब आपको इस सेगमेंट में भी देखने को मिलेगा, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले सेगमेंट में भी मिल रहा है, बढ़िया चीज़ है। देखो कोई लाल पीले अलग अलग जो इधर उधर एलिमेंट होते थे वो कर दिए सब ख़त्म। ऐसा जैसे लोग जाते हैं एक कोरी सी गाड़ी लेकर और मॉडिफाई करवा के लाते हैं ना, वो चीज़ कंपनी ने ही करके दे दी है। क्या मस्त सी लग रही है ना, देखो ग्रे कलर है पूरा का पूरा मैट, और उसके साथ साथ जो ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट है, ग्रिल हुई नीचे ये वाली ग्रिल हुई, और उसके साथ भाई क्या चीज़ अलग है इस शेड में, जो इसके कर्व्स हैं वो बाहर निखर के आ रहे हैं। ये देखो ये दूसरे कलर पे इतना ज़्यादा ग्रूवी नहीं लगता जितना इसमें फील हो रहा है ना, इसमें ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है गाड़ी। तो अगर चौड़ाई की बात करें वो पहले की तरह ही है, कितनी भाई इसमें मिलती है आपको लगभग लगभग 1790 mm की विड्थ, और बढ़िया चीज़ क्या है पूरी तरह से लोडेड है। फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर इस तरह से मिल जा रहे हैं। हेडलैम्प की बात करें तो पूरी की पूरी 4-4 LED हैं इस तरह से, यही हमारी DRL है, यही इंडिकेटर आपको जलता हुआ दिख रहा है। नीचे देखते हैं फॉग लैंप आपको ये हेलोजन में मिल रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्टर है, अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया फ्रंट लुक, आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो भाई ये है इसकी साइड प्रोफाइल, ऑटो की बैजिंग देख रहे हो, रीज़न क्या है, क्योंकि सिर्फ ऑटोमेटिक में ही मिलती है आपको ये, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन उसी में आती है वही है। व्हील इसके कुछ नए से लग रहे हैं, ये व्हील आपको दूसरे में नहीं मिलेंगे, मतलब नीचे का कोई भी ले लोगे, ये पहचान है एक्स लाइन की, या मतलब ये जो कलर है इसके साथ साथ ये व्हील्स। सेक्शन देखते हैं 215/60R16 16 इंच में है। पीछे देखते हैं तो पीछे नहीं भाई, सिर्फ आगे ही आगे डिस्क ब्रेक मिल रही है। व्हील बेस देखें तो 2500 mm, उसके साथ हम इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो लगभग 205 mm, हाँ ठीक है। ORVM अपने ऑटोमेटिक फोल्डेबल हैं, इस तरह से ब्लैक कलर में दिए हैं। चलो भाई ये हो गई। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ आपको इसमें मिल जाती है सब 4 मीटर, मतलब 3995 mm की। और क्या चीज़ बची, क्रोम व्रोम आपको हैंडल में लगे हुए दिख रहे हैं, और इस तरह से विंडो गार्निश पर आपको क्रोम मिल जाता है। ऊपर रूफ रेल दिख रही है जो कि छुपा दे रही है हमारी, ये सनरूफ दे रखी है भाई इसमें, बढ़िया चीज़। आ जाते हैं रियर की तरफ, रियर में आपको बैजिंग बता देगी। देखो GT लाइन में GT लाइन लिखा हुआ था, इसमें हमारा X लाइन यहाँ पर लिख दिया है। पूरी की पूरी LED है, पूरी से मतलब है जो अपना ऑलवेज ऑन मोड में है, ये अपना LED में जलता हुआ दिखेगा। उसके बाद ये क्यूब्स जैसे दिख रहे हैं आपको, ब्रेक दबेगी तो ये जलेंगे LED में, और उसके अलावा हेलोजन ही है ये इंडिकेटर, ये रिवर्स लैम्प, ये है कुछ पूरा का पूरा लुक। यहाँ देखें आपको वाइपर मिल रहा है, उसके साथ ही हो गया अपने डिफॉगर, ऊपर हाईमाउंट स्टॉप लैंप है, और वहाँ पर हो गया शार्फिन एंटीना, सोनेट किया कैमरा ये ठीक है। और दो पॉइंट मिल रहा है आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर, और पीछे भी ये जो सिल्वर कलर का आता है ना दूसरी नॉर्मल वाली में, ये पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक कर दिया, ये अच्छा लग रहा है यार। देखो हो गया अपना पूरा का पूरा, और इधर आ जाते हैं तो ये आपको मिल रहा है कितना, 45 लीटर का फ्यूल टैंक है, डीजल है अपने पास इस समय ठीक है। कीमत दोबारा बता रहा हूँ 13,99,000 रुपये एक शोरूम, ऑन रोड की बात करें तो लगभग 16,30,000 या 16,40,000 कह रहा हूँ, या मोटा मोटा 16.5 मान लो यार ठीक है। ये हो गई कहानी, अब आते हैं अंदर, अंदर भी अलग ही खेल है इसमें। पहले तो यार चाबी दिखाना आपको, ये आपने की 4 बटन दिए हुए हैं, मतलब रिमोट से ही स्टार्ट होने वाला फीचर इसमें दिया हुआ है, होल्ड एंड स्टार्ट का, लॉक अनलॉक उसके साथ होल्ड करके इसको रखेंगे, पीछे बूट अनलॉक हो जाएगा और इसको होल्ड करके रखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गर्मी वर्मी में AC चलाना है ऑन करके ऐसे ही हो जाएगा, गाड़ी ठंडी हो जाएगी ठीक है। तो ये है कुछ इंटीरियर का माहौल। आप जो एनिवर्सरी एडिशन देखते हो उसमें प्योर ब्लैक देखते हैं, इसमें आपको ये ग्रे वाली फिनिश ज़रूर देखने को मिलेगी, चाहे यहाँ देखें, और नॉर्मल वाले में वाइट के साथ बीज कलर मिल जाता है। यहाँ रेड कलर की स्टिचिंग आपको मिल रही है, सॉफ्ट टच हुआ, और इस तरह चारों के चारों पावर विंडो हैं, ड्राइवर साइड अपनी ऑटो अप ऑटो डाउन, ये हो गया मिरर को इलेक्ट्रिकली फोल्ड करने का और साथ में एडजस्ट करने के लिए। और 1, 2, 3, 4 चारों डोर में आपको बोस म्यूजिक सिस्टम, बिल्कुल भाई चारों डोर में स्पीकर हुए, उसके साथ 1, 2 और 6 तो ये हो गया अपना। पीछे देखे ट्विटर, नहीं भाई पीछे ट्विटर नहीं है, और साथ में एक सब ऑफर भी है इसमें जो कि अपना डिग्गी में मिल जाता है। इस तरह से 7 स्पीकर का, मोटा मोटा 4 स्पीकर 2 ट्विटर और साथ में 1 सब ऑफर का सेटअप आपको मिल जाता है। ये है अपनी सीट, पूरा लेदर रेट है, ये देखो
मस्त है ना एक, हाँ बहुत बढ़िया। अंडर था सपोर्ट बहुत सही है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, सीट हाइट एडजस्टमेंट दी हुई है। उसके साथ एक बार जरा बैठते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं टिकटॉक को बंद। भाई ये मिल रहा है आपको अंदर का नज़ारा, ये पैडल नीचे दो ही दिए हुए हैं, ये रीज़न क्या है भाई, ऑटोमेटिक है इसीलिए। ये अपना गियरबॉक्स, गियरबॉक्स इसमें आपको मिलता है 6 स्पीड का, बिल्कुल टॉर्क कन्वर्टर दिया हुआ है। ब्रेक पैडल दबाते हैं और कहाँ गया, ये रहा अपना जादुई बटन, गाड़ी हो गई है स्टार्ट। क्या बात है, भूम करने लगी, इसको जरा म्यूट हो गया भाई। 10.25 इंच की स्क्रीन, बड़ा बहुत प्रीमियम से लग रही है ना, अंदर बैठ के देखो जरा, चकमक चकमक सा पूरा, मतलब ग्लॉसी ब्लैक। उसके साथ बड़ी सी स्क्रीन, यहाँ पर भी डिजिटल अपना दिख रहा है पूरा का पूरा। यहाँ देखते ही हो गया टैकोमीटर, और उसके साथ ये हो गया इधर फ्यूल गेज, ये सब कुछ मैनुअल मतलब सुइयाँ दे रही हैं। और यहाँ पर अपना बीच में मिल जाता है ये बड़ी सी स्क्रीन भाई, जो कि हमको MID का काम करेगी, इन्फॉर्मेशन देती रहेगी, TPMS वगैरह सब कुछ। और उसके साथ ये हो गया अपना स्पीडोमीटर, और ये एडजस्ट कैसे होगा यहाँ से, ये देखो ठीक है, ये हो गई कहानी। अब आ जाते हैं भाई इसके नीचे, देखो क्या दिख रहा है, ये भाई पैडल शिफ्टर इसमें आपको मिल जाते हैं, चलाने में अलग ही मज़ा आता है। उसके साथ ये हो गया अप एंड डाउन, और टिल्ट है बस टेलीस्कोपिक, हाँ टेलीस्कोपिक नहीं है भाई, ठीक है। और साथ में ये है अपने वाइपर का स्टॉक, ये है अपना हेडलैम्प का जो कि ऑटोमेटिक है, सोनेट यहाँ पर लिखा है। स्टीयरिंग बड़ा प्रीमियम लगता है, देखो पूरा लेदर रैप्ड है रेड कलर की स्टिचिंग के साथ। यहाँ पर ही अपना क्रूज कंट्रोल वगैरह सब दिया हुआ, मतलब फीचर तो पूरे ही हैं यार। 6 एयरबैग दे रखे हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 सीट के साइड में, और साथ में पिलर वाले, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये यह आपको इनबिल्ट मैप्स के साथ 10.25 इंच का मिल रहा है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों वर्क करते हैं बढ़िया तरीके से। ऑटोमेटिक AC मिल रहा है यहाँ पर, ये पूरी यूनिट। ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, ड्राइव मोड इसमें अलग अलग दिए हुए हैं ये है, और कैमरा पीछे का दबाओगे जब ड्राइव मोड में डलेगी, जय चलो दिखाई देता हूँ। ये ड्राइव मोड में डला और इसको हमने दबाया, ये देखो हो गया चालू, इस तरह से दिया हुआ है। चलो भाई पार्क मोड लग गया, अब इसके नीचे आते हैं। ये ओहो कूलिंग पैड के साथ दिया हुआ है, जो अपना वो होता है ना वायरलेस चार्जर, वो हो गया। उसके साथ ये फ़ोन रखने की जगह, यहाँ चार्जर नहीं है, यहीं पर एक जगह मिलता है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये USB इसमें कुछ भी इनपुट करने के लिए। उसके साथ ये हो गया USB चार्जर, ये तो बता ही दिया आपको। 6 स्पीड का गियरबॉक्स है, टॉक कन्वर्टर, और क्या बचा, हाँ यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM है किया कनेक्ट के साथ, SOS फीचर वन टच में ही। और ये हो गया, अच्छा भाई चश्मा वश्मा रखोगे यहाँ पर आराम से। ये हो गया अपना लैंप, यहाँ पर माइक दिया हुआ बात करने के लिए। उसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है मिरर वगैरह, लेकिन टिकट होल्डर ज़रूर दिया है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ मिरर दिया हुआ है, और उसके साथ ये है अपने ओहो सनरूफ हो गई है ओपन, और हाँ इतनी जाती है, इतना खुल जाता है। और इसमें देखो पूरी की पूरी जो रूफ लाइनर है ना, वो भी ब्लैक है, पूरा थीम पे काम कर रखा है, मस्त लग रहा है। ठीक है भाई हो गया, और क्या बचा, बस ऑलमोस्ट डन हो गया। ये क्या यार इसके अंदर कुछ ना कुछ यार ज़िंदगी में लगी रहा। अरे भाई ये तो रिकॉर्डिंग कब से चल रही है, देख रहे यार चलो भाई इसको करते हैं बंद, और दोबारा लगते हैं अपने काम पे, बंद कर देते हैं इसे। और भाई फ्रंट के पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है। ट्रैक्शन कंट्रोल ये है, अच्छा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ये है, और उसके साथ ये ट्रैक्शन मोड्स हैं ओके। और साथ में भाई सीट्स हैं अपनी वेंटिलेटेड दी हुई है, उनके बटन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये लेफ्ट का ये राइट का, बहुत बढ़िया। सभी को ठोक के दे मारा है भाई फीचर्स के नाम पे, हर चीज़ जो सोचोगे कि भाई इस बजट में होनी चाहिए तो वो दे रखी है कंपनी ने, ठीक है। इसको रखते हैं यहाँ और आ जाते हैं पीछे। पीछे आपको सबसे पहली चीज़ अच्छी चीज़ है, ब्लाइंड्स इस तरह दिए हुए हैं, और यहाँ पर आते हैं वही आगे की तरह सब कुछ बोस सब कुछ, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं तो पीछे भी लेदर एट है, आर्मरेस्ट दिया हुआ है, 2 हेडरेस्ट दिए हुए हैं, और 60-40 इसमें नहीं है, फुल सीट फोल्ड हो जाएगी बस। उसके साथ अंडर थाई सपोर्ट, हाँ वही थोड़ा सा कम इसमें रहता है, वो चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। पीछे यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह से, अच्छा भाई एयर प्योरीफायर भी दिया हुआ है, ये भूल गया था, आर्मरेस्ट के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। AC वेंट ये होगा, नीचे आपको दिया हुआ है USB चार्जिंग के लिए। तो ये माहौल है पूरा का पूरा, ये सेकेंडरी लैंप हो गया, और सारी चीज़ें ओके रिपोर्ट हैं। चलो भाई पीछे आ जाते हैं यहाँ पर, और ये कुछ मिल रहा है आपको बूट स्पेस, 352 लीटर की 352 लीटर की कैपेसिटी के साथ ये लैंप दी हुई है आपको। और इधर ये जो मैं बता रहा था सबवूफर, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह पार्सल ट्रे है, बहुत सही है, चलो ओके रिपोर्ट है। ये हो गया अपना ट्रेम, बंद करते हैं इसको यहाँ। अरे वाह भाई, अब बात आती है इंजन बे की। जनरली सोनेट में जो अपना इंजन बे है
वो इंजन बे क्या मतलब इंजन जो है अपना वो आता 1.5 लीटर के साथ है लेकिन डिट्यून्ड ऑप्शन में आता है, मतलब कि 99 bhp की पावर। लेकिन जब ऑटोमेटिक की बात आती है ना तो भाई इसमें आपको मिल जाता है पूरा वही 114-115 bhp की पावर वाला इंजन, 250 nm का टॉर्क, और उसके साथ CIDI 16 वाल्व आप देख रहे हो क्योंकि 4 सिलेंडर है। और अभी बताते हैं, यहाँ पर इसकी ज़रूरत ही नहीं क्योंकि रिफाइनमेंट बहुत है, ABS, EBD, ESP और उसके साथ हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल सब कुछ दिया हुआ है। इस तरह से पूरा का पूरा यूनिट है। इसको करते हैं बंद। माइलेज की बात करें तो भाई ऑटोमेटिक के साथ कंपनी क्लेम जो है वो लगभग 19 की है। ठीक है, ये हो गई कहानी। अब रखते हैं इस वीडियो को, वीडियो करते हैं एंड। और दोबारा से बता दूँ एक बार, कीमत 13,99,000 रुपये जो अपने सामने थी, ये थी नई सोनेट एक्स लाइन व्हील से। और मतलब ओवरऑल एक टेस्ट जो होता है ना लोगों का, अरे तू ही कर ले भाई पहले, हाँ जो टेस्ट होता है ना लोगों का कि यार कुछ अलग सी दिखे गाड़ी, वो चीज़ इसमें दिख रही है। इसको जैसे लेके निकलेंगे लोग मुड़ के देखेंगे ज़रूर, है ना। 13,99,000 एक्स शोरूम उत्तराखंड में आप लोग है तो करीब करीब पड़ेगी आपको ये 16,30,000 रुपये की। तो भाई इस तरह से वीडियो करते हैं एंड। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।